तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रूफ के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इसमें दिक्कत है तो उस। हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो हमारा टॉपिक है कि अगर कभी ऐसा होता है कि जो आपकी ये बाइक है इसकी ये जो हेडलाइट है ये काम ना करे, या फिर इसका लो बीम काम ना करे हाई बीम काम करे, या फिर हाई बीम काम ना करे लो बीम काम करे, तो इस बाइक में क्या समस्या हो सकती है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मेरी बाइक में भी एक समस्या आ गई है। तो इसमें होता क्या है कि मैं जैसे बाइक स्टार्ट करता हूँ तो जो इसका लो बीम वाला लैंप है वो ग्लो नहीं करता है, ठीक है। सो कंपनी में मैंने इसको चेंज भी करवा लिया है, पर इसकी दिक्कत आपको दिखाऊंगा कि कहाँ आती है। तो इस वीडियो में बन रहे, और जिन्होंने भी इसकी वीडियो को पूरा नहीं देखा है वो प्लीज़ पूरा देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। फैमिली, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इसका जो फॉल्ट होता है वो हमारे इस स्विच से होता है, ठीक है। जो ये वाला स्विच है ये ख़राब हो जाता है, तो ख़राब होने की वजह से होती है कि जैसे आप बाइक वगैरह धोते हैं तो यहाँ से इसके अंदर पानी चला जाता है, और जो कार्बन होता है अंदर इसके कंडक्टर होते हैं उसमें कार्बन जम जाता है। तो आइए इसको बताता हूँ इसको कैसे ठीक करेंगे। पहले हम इसको खोलेंगे, आपको एक पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उससे इसको खोलना है। चलो मैं खोलता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है आपको। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रूफ के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इसमें दिक्कत है तो उसको मैं सॉर्ट आउट करूँगा। तो कर लेते हैं, पहले बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो इधर पड़े देखना, ये हाई बीम है इसकी, हाई बीम, लो बीम काम नहीं कर रही है। तो जैसा आपने देखा कि इसकी हाई बीम ही काम कर रही है, लो बीम काम नहीं कर रही है। तो कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि इसका जो लैंप है ये भी फ्यूज हो सकता है। तो एजेंसी में मैंने गया था तो मैंने इसको वहाँ पे चेंज भी करवाया है, तो तब भी ये जला नहीं, मतलब कि इसके स्विच से ही दिक्कत है। तो खोल लेते हैं इसको, फिर दिखाते हैं आपको। तो अभी खोल लिया है इसको, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी वो है, काफ़ी डस्ट है इसके अंदर। तो जहाँ तक मेरा आइडिया ऐसे ही है कि इसका जो ये स्विच है इसमें लो बीम वाले में इसमें कार्बन जमा हुआ है। तो देखते हैं इसको खोल के कि क्या है और इसको कैसे साफ़ करें। तो अकेला बांधता हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है, चलो दिखाते हैं आपको। तो जैसे मैं गाइस, मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो इसका हुआ है वहाँ पे कार्बन जमा हुआ है। शायद आपको ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, हाँ ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है तो ये है कार्बन। तो इससे होता है कि जो हमारे कंडक्टर होता है उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, तो हमारा करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से जो सर्किट है तो वो कट हो जाता है, और इसकी वजह से हमारा लैंप या जो भी आपका लोड होता है वो नहीं जल पाता है। चलो इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसको आपको कैसे साफ करना है। और ठीक, तो पता नहीं गाइस, जैसे आप देख पा रहे होंगे तो इसके जो दो ये स्क्रू हैं इसको मैंने खोल लिया है, और आपको इसको इस तरह से बाहर निकाल लेना है। और इसको बाहर निकालने के बाद आपको ये जो इसमें कोई भी क्लीनर या 20W30 एक स्प्रे आती है उसको निकाल के इसको साफ़ करना है, या आप इसको किसी भी टाइप से साफ़ कर सकते हैं। तो चलो मैं इसको साफ़ करता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि हमारी लाइट चलती है कि नहीं। तो गाइज, हमने इस स्विच को खोल के इसकी सर्विस करके ये प्रॉब्लम दूर कर ली है। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस वीडियो के ऊपर, मतलब उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दे दूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।